दालों की कीमतों में तेजी का दौर शुरू हो चुका है, वहीं तुअर और मूंग की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। दरअसल आयातित तुअर में शिपमेंट में देरी को देखते हुए मुंबई दिल्ली के बड़े आयातकों द्वारा कम दामों पर बिकवाली नहीं की जा रही है। तुअर और तुअर दाल की कीमतों में एक बार फिर से तेजी का माहौल बन चुका है। शुक्रवार को इंदौर में जहां तुअर के दाम करीब 100 रुपए बढ़ गए, तो वहीं तुअर दाल भी 200 रुपए प्रति क्विंटल तक महंगी बोली जाने लगी। तुअर महाराष्ट्र समेत 7600 से 7800 रुपए पहुंच गई, तो वहीं कर्नाटक 7800 से 8100 रुपए और वहीं निमाड़ी तुअर का भाव 6700 से 7300 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दूसरी तरफ मूंग की आवक भी पर्याप्त मात्रा में न होने से और डिमांड अच्छी होने के कारण मूंग की कीमतों में भी तेजी देखने को मिली। शुक्रवार को मूंग में करीब 200 रुपए तो मूंग दाल मोगर में 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई। मूंग बढ़कर 7000 से 7400 एवरेज और एवरेज मूंग 5900 से 6500, जबकि नया मूंग बारिश का बारीक 6800 से 7400 रुपए प्रति क्विंटल पर देखने को मिला। इधर महंगाई को काबू करने के सरकार के तमाम प्रयास एक के बाद एक फेल होते जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार अब सरकार दलहन की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आयातित मालों को एक महीने के भीतर बाजारों में रिलीज करने का भी सोच रही है, यानी आयातक अपने वेयर हाउस से एक महीने से अधिक समय तक माल नहीं रख सकेंगे। हालांकि अभी तक इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। हाँ, अगर ये आदेश जारी कर दिया जाता है तो दलहन आयातकों की परेशानी और बढ़ सकती है और कुछ समय के लिए बाजारों में मंदी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। चना, मसूर और उड़द में फिलहाल कोई बहुत ज्यादा मंदी तेजी नहीं देखने को मिली, लेकिन अगर सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी किया जाता है तो माना जा रहा है कि बाजारों में मंदी का माहौल गहराता हुआ दिखाई दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।